नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल VK प्रोडक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फैन कोड ACST 10 रोमानिया में होने वाले एक और लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है ACCV और VAN के बीच, या ACCV और वनेसा के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। अब से लगभग 25 घंटे के बाद ये दोनों टीमें अपनी अपने ये इस लीग का पहला मुकाबला खेलेंगी। एक्चुअली इस लीग का तीसरा होगा, लेकिन ये दोनों टीमें इस लीग में पहली बार सामने उतरेंगी, तो काफ़ी मज़ेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है दोस्तों। सो फाइनली हम देखेंगे इन दोनों टीमों की ताकत कि कौन सा खिलाड़ी कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और उसी के बिहार पे हम टीम का चयन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल VK प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल VK प्रोडक्शन, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भूलिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेड टू हेड के लगभग सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे VK प्रोडक्शन और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके सो आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात करें दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अगर दोनों ही टीमों की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में नज़र डाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बात करते हैं ACCV के प्लेयर्स की, तो पिछली सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, अगर सैयद असद अब्बास 18 मैच खेले हैं, 242 रन किए हैं अभी तक, इन्होंने 18 मैचों में एक अच्छी ऑप्शन है। गुल रहीम 14 मैचों में 40 रन 3 विकेट, मोहम्मद इसाक 14 में 131 रन 4 विकेट, समीउल्लाह 26 मैचों में 368 रन किया 28 विकेट। समीउल्लाह यहाँ पे बहुत बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक होंगी, और साथ में सैयद अब्बास एंड मोहम्मद इसाक और गुल रहीम में कोई एक आप पिक कर सकते हो, मतलब ऊपर के चार आप जो है मजबूत पिक्स हैं। गौहर मनन भी एक अच्छी बहुत बड़ी पिक है, 25 मैचों का अनुभव है T10 में, 757 रन प्लस 2 विकेट। आनंद कार्तिकेयन की अगर बात की जाए दोस्तों, 16 मैचों में 247 रन। इसफांग धोकी की बात की जाए, 10 मैचों में 126 रन और 11 विकेट लिए हैं यहाँ पे इन्होंने। सईदुल्लाह ने देखिए 17 मैच 136 रन और 18 विकेट, मतलब बॉलिंग के मामले में सईदुल्लाह का कोई जवाब नहीं है। और देखिए सुखविंदर सिंह की बात करें तो 17 मैचों में 9 रन 15 विकेट लिए हैं, मतलब बॉलर हैं सईदुल्लाह और सुखविंदर सिंह, दोनों ही आपको एक बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे देखने को। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात किए हैं अगर आसिफ अब्दुल्ला की, तो 15 मैच खेले हैं अब तक, 15 मैचों में 248 रन किए हैं प्लस 12 विकेट लिए, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी यहाँ पे। और हरप्रीत सिंह 7 मैचों में 33 रन एज अ बैट्समैन यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, कम अनुभव है लेकिन अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अफजल हुसैन 4 मैचों में 3 रन किए हैं प्लस 4 विकेट, मतलब एक विकेट पर मैच ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अच्छी ऑप्शन है ACCV की तरफ से मुझे लगता है सैयद अब्बास, गुल रहीम में कोई एक लीजिए, एम इसाक, समीउल्लाह और गौहर मनन, तो इसमें से समीउल्लाह गौहर मनन तो पक्के हैं, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं। सैयद अब्बास भी पक्के हैं, गुल रहीम और एम इसाक में कोई आप एक लीजिए, मुझे ऐसा लगता है खेलते हैं सभी तो। और नीचे आप बात करें तो आनंद कतरिया बैटिंग में अच्छी ऑप्शन है, 16 मैच में 247 रन। इसाक धोकी को अगर आप बात करें तो एज अ बॉलर, तो आप देखिए इसाक धोकी, सईदुल्लाह और सुखवीर सिंह तो लेने वाले हैं, धोकी और आसिफ अब्दुल्ला में आपको एक ले सकते हैं, तो धोकी की जगह आप आसिफ अब्दुल्ला ले सकते हैं, बिकॉज आप एक टीम से साथ ही ले सकते हैं, तो यही शायद मुझे सही लग रहे हैं, बाकी आप अपनी चॉइस पे ले सकते हैं अगर ये सब खेलते हैं तो। चलिए बात करते हैं अगर वैन की टीम की, तो देख लेते हैं अगर
वनीसा की टीम की बात करते तो क्या है, तो वक्कार वासी यहाँ पे देखिए हर मैच का तो रिकॉर्ड टूट गई प्लेयर का स्टेटस, लेकिन इन्होंने जो तो अपने पिछले दो मुकाबले खेले थे उसके भी यहाँ पे हम इनका रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वनीसा के खिलाड़ियों कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार, वक्कार वासी पहले मैच में 6 किए थे और 1 विकेट लिया था, दूसरे मैच में विकेट नहीं लिया लेकिन ताबड़तोड़ 46 रन बनाए, मतलब बक्कार अब्बासी यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी तेज़ रन बनाने में। इजाज़ हुसैन 10 रन दूसरे मैच में, 24 रन और 2 विकेट, तो दोनों ही बैट्समैन ऊपर के बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, ओपन ही आएंगे, दोनों अच्छी पिक्स हैं। रोहित कुमार 2 मैच खेले, दोनों में लास्ट के दोनों ही फ्लॉप रहे, बिल्कुल मत लीजिए। मैं तो कहूँगा अब्दुल सकूर एज ए बैट्समैन अगर लेते हैं तो 26 रन किए थे सेकंड मैच में, पहले मैच में 4 रन पे आउट हो गए, थोड़ा रिस्की है पर ट्राई कर सकते हैं आप। फिर देखिए पीटर मसीह की बात की जाए तो पहले मैच में 19 रन, दूसरे मैच में रन्स नहीं किए लेकिन 1 विकेट ले लिया था, तो ये खिलाड़ी भी आपको जो है 30 पॉइंट लगभग दिला सकता है। समीम अहमद 1 मैच में 10 रन, अदनान हनीफ दो मैच खेले पहले मैच में 14 रन दूसरे मैच में 6 रन, और सुपेंद्र हायर को भी एक ही मैच में मौका मिला था जिसमें 1 रन किया, उस उमेर मेर 18 रन और हामिद फारूकी लाजवाब बॉलिंग 3 विकेट लिए थे अपने लास्ट मैच में। तो यहाँ पे देखिए फारूकी एज अ बॉलर एक अच्छी ऑप्शन है, देन इजाज़ हुसैन और डब्लू अब्बासी ये तीनों तो लेने ही लेने, ऊपर के जो तीन हैं इजाज़ हुसैन और डब्लू अब्बासी पीटर मसीहा एंड अब्दुल सकूर आप ट्राई कर सकते हैं, और बाकी मुझे कोई इतना अच्छा लग नहीं रहा नीचे बॉलिंग में, आप हामिद फारूकी को ट्राई कर सकते हैं, उमेर मीर अगर खेलते हैं तो एक ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। ओके तो चलिए ये तो रही दोनों टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, तो अभी इसी के बिहार पे हम टीम का चयन करेंगे दोस्तों। तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे ऐसा विकेट कीपर तो देखिए सैयद अब्बास पहले ही आ गए, बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है ये ऑप्शन लेना है, और ये सकूर वैन की तरफ से ये सकूर हैं, तो ये सकूर भी 4 रन 26 रन बैटिंग करने ऊपर आएंगे ये खिलाड़ी, लेकिन थोड़ा रिस्क ही है, अगर आप चाहें तो लीजिएगा बट मैं अभी डिनाई कर रहा हूँ। बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं तो बैटिंग आपका जो मैं देखिए अहम इसक और समीउल्ला दोनों ही अच्छी ऑप्शन है, देखिए समीउल्ला 26 मैच 368 रन 28 विकेट लेने वाला है, ठीक है। एंड इसक की बात मैंने की थी, एम इसक 14 मैच में 131 रन, इस पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ना लेके, फिलहाल अभी तो मैं इसे रख रहा हूँ। और वीएन की तरफ से टी तारिका देखते हैं इनका रिकॉर्ड है हमारे पास या नहीं, लास्ट के मैच फिलहाल इन्होंने नहीं खेले थे तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड का ही डाटा है हमारे पास दोस्तों। और विकेट कीपर सैयद अब्बास का रिकॉर्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया, 18 मैचों में 242 रन, और इनके विकेट कीपर की बात की जाए तो लास्ट के 2 मैचों का रिकॉर्ड 26 रन, तो यहाँ तो सैयद अब्बास बाजी मार रहे हैं। और ये तीनों ही प्लेयर मैंने एक ही टीम के लिए हैं दोस्तों, बाकी ऑलराउंडर में देख लेते हैं आइड हॉकी एंड एस उल्ला दोनों का रिकॉर्ड पहले मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा, समी उल्ला ऊपर आएंगे और 26 मैचों में 368 रन छोड़ ही नहीं सकते इन्हें भी, सईदुल्ला माफ़ी चाहूँगा 17 मैचों में 136 रन और 18 विकेट, और आई धोकी का रिकॉर्ड हमारे पास भी है 10 मैचों में 126 रन 11 विकेट, और दोनों अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सुखविंदर सिंह भी आ जाएंगे यहाँ पर, सुखविंदर सिंह का रिकॉर्ड हमारे पास लेकिन यहाँ पर है नहीं, खेलेंगे लगता है खेलेंगे यश सिंह, सुखविंदर सिंह को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और सुखविंदर सिंह को मैं अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा, एक बढ़िया बॉलर है, डैन यहाँ पे आप ले सकते हैं और भी अच्छे खिलाड़ी। तो पहले मैं इधर से बात करूँ तो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको किसको लेना है, यहाँ से देखिए मैं तो अपनी टीम में उठा रहा हूँ टी तारिक को, मुझे लगता है अच्छी ऑप्शन हो सकती है, इसलिए इतने कितने पॉइंट नहीं, हालांकि इनका रिकॉर्ड नहीं सो रहा बट मैं अपने रिस्क ले सकता हूँ। ये सकूर इनका रिकॉर्ड है बैटिंग करने मिडिल ऑर्डर संभालते हुए आएंगे, तो ये जब विकेट कीपर मैं इन्हें भी ले रहा हूँ अपनी टीम में। यहाँ पे देखिए पी मन और आई हुसैन का रिकॉर्ड देख लेते हैं, तो पीटर मसीहा इजाज़ हुसैन ऊपर ओपन आएंगे, तो यहाँ तो मैं इजाज़ हुसैन को लूँगा, और यहाँ पर मैं सकूर को मैं ड्रॉप करके पी मन को ले रहा हूँ बिकॉज बॉलिंग और बैटिंग दोनों कराएंगे,
वो विकेट कीपर हैं 45% जरूर लिया इस सकूर को, लेकिन बॉलिंग नहीं कराएंगे तो बेकार उनको लेना इस मामले में। चलिए अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सुखविंदर सिंह को तो मैंने ले लिया है, बिल्कुल ही लेने वाली प्लेयर है, छोड़ नहीं सकते आप इन्हें। बाकी डब्लू अब्बासी ओपन करेंगे, देखिए 46 रन ओपन, तो ये दोनों मैंने ले लिए हैं। और मैंने जब कहे तो चार प्लेयर लिए, अगर आप चेंज करना तो एम एस की जगह कुछ और डाल सकते हैं, या फिर आई ढोकी की जगह आप जो हैं विकेट कीपर ले सकते हैं, बट मुझे लगता है ये चारों सही हैं। एंड लास्ट प्लेयर जो मेरा रहेगा दोस्तों, 7.5 क्रेडिट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे भाई बात है आई ढोकी को मुझे करना पड़ेगा ड्रॉप, देना पड़ेगा ये सकूर को। दैन या तो आप यहाँ पे कोई अच्छा आप बैट्समैन ले लीजिए, अच्छा है नहीं तो बॉलिंग सेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा। देखिए की तरफ से जय मुर्गन है 80% लिया गया, एच सिंह लिया गया SSCB की तरफ से 54%, दोनों का रिकॉर्ड देख लेते हैं किसका रिकॉर्ड है। तो मुर्गन का रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर एच सिंह की बात की जाए तो उनका रिकॉर्ड ही हमारे पास शायद नहीं होगा। हरबीर सिंह 7 मैचों में 33 रन यही रिकॉर्ड है, बॉलिंग का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन तो बैटिंग करने ये खिलाड़ी मुझे लगता है ऊपर आ सकते हैं, तो मैं हरप्रीत सिंह को ट्राई करूंगा अपनी टीम में, और टीम कुछ इस तरह से हमारी बन जाएगी दोस्तों। ए सैयद अब्बास, ए सकूर, दो हमारे विकेट कीपर हैं, 3 बैट्समैनों को मैंने लिया, एम एस अक समी उल्हा एन टी तारीख, क्यों लिया है रिकॉर्ड्स आपको दिखा के टीम बनाई है, और आपके सामने ये टीम पूरी क्रिएट की है मैंने। 3 ऑलराउंडर्स लिए हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे, एस उल्हा, आयुजैन पीमन, आई हुसैन और डब्लू अब्बासी ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं इसलिए, और पीमन भी यही मिडिल ऑर्डर अच्छा संभालते हैं। टी तारीख एक थोड़ा रिस्की बैट्समैन है जो लेकिन ख़तरनाक हो सकता है, तो टी तारीख की जगह आप कुछ और भी डाल सकते हैं। एंड 3 आप बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, एच सिंह, सुखविंदर सिंह एंड डब्लू अब्बासी। एच सिंह की जगह आप किसी और को ट्राई कर सकते हैं। ओके सो कप्तान वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जब कैप्टन आई हुसैन ओपन आएंगे प्लस बॉलिंग भी करेंगे, खतरनाक है। समीम उल्लाह को आप वाइस कप्तान दे सकते हैं, लेकिन मैं देने जाऊंगा, और आप चाहें डब्लू अब्बासी, बहुत कम लोगों ने लिया, लिमिटेड आप चाहें लंबी ले सकते हैं, बट मैं समीम उल्लाह के साथ जाना चाहूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक सेफ जोन में आपके लिए बेटर रहेगा। सो अभी फाइनल टीम तो हमारी रेडी हो चुकी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टीम सेम है, सही असद अब्बास, ए सकूर, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बैट्समैन, एम एस अक, समीउल्लाह, टी तारीख, 3 ऑलराउंडर लिए हैं, एसुल्ला मैंने वाइस कप्तान बनाया है, एंड कप्तान के तौर पे आयुल्लाह को मैंने लिया है, पीमन को मैंने रखा है अपना एज ऑलराउंडर, एस सिंह, डब्लू अब्बासी और एस सिंह 3 बॉलर रखे हैं। अगर आप चाहें तो एज आ विकेट कीपर, वाइस कप्तान और कैप्टन समीउल्लाह को जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी ऑप्शन है। दैन डब्लू अब्बासी भी यहाँ एज ए वाइस कप्तान अच्छी ऑप्शन रहेगी, कैप्टन आप इन्हीं दोनों में ट्राई कीजिए, लेकिन वाइस कप्तान इन्हें और इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप 2-3 टीमों से खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी प्रिडिक्शन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट मिलती रहे। अभी तो ये डेमो टीम है, फाइनल लाइनअप की अपडेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, BK Prediction, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हेड टू हेड की सभी फाइनल टीमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अपडेट। ओके और अगर लिंक के थ्रू ये चैनल ज्वाइन नहीं होता है, डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे BK Prediction और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।